नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। आप तमाम लोगों को बता दें कि एक दुखद हादसा जो है वो हम तक पहुंचा है, और आप तमाम लोगों को बता दें कि अस्सर के अंदर एक हादसा फिर से जो है वो सामने आया है, और जहां पर बताया जा रहा है कि टेम्पो का हादसा हुआ है और उसके अंदर 13 लोग सवार थे। क्या पूरी जानकारी है, ये हम आप तक बताने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। वहां पर कुछ लोग जो है मौके पर थे, जिनके द्वारा जो है वो देखा गया, उन्हें देखा भी गया, और वो तमाम बातचीत जो है इनसे करेंगे। और साथ ही में आपको गाड़ी का अगर नंबर मैं बता दूं तो JK 12 2077 जो है वो गाड़ी का नंबर है, और ये कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची है, ये आप देख भी सकते हैं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो हम तक पहुंची है। वहां से कोई शख्स हैं जो वहां पर मौजूद थे, उनसे ही बातचीत करेंगे, जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने वहां पर जो है इस हादसे को देखा है। जी क्या कहेंगे? हेलो हेलो, हाँ जी साहब, क्या कुछ कहेंगे कि क्या कैसे ये हादसा जो है वो पेश हुआ, आप क्या कहेंगे? एक टेम्पो था जो डोडा से जम्मू के लिए आ रहा था जी, तो हम जम्मू से आ रहे थे, तो हमने देखा गाड़ी पलटी हुई थी रोड में, हम उतरे तो उनसे जो पैसेंजर थे उनसे बातचीत हुई जब, तो उन्होंने बताया कि इसको हमने पहले भी 2-3 बार ये ओवरटेक कर रहा था, किसी और के हिट करने वाला था, तो हमने तो दो तीन बार इसको रोका भी कि भाई आहिस्ता चलाओ आहिस्ता चलाओ, तो वो नहीं चला रहा था जी। फिर उसके बाद अभी जब लास्ट उसने ओवरटेक किया तो टैंकर को ओवरटेक कर रहा था वो कर्व पे। अच्छा, और स्पीड भी थी उसके गाड़ी की काफी ज्यादा, जैसा कि पैसेंजर बता रहे थे हमें, और मतलब उसमें छोटे बच्चे भी थे, कुछ 13-14 सवारी होंगी, जिसमें से दो को, एक को आंख के पास लगी हुई थी और साथ में एक लड़की को कान पे चोट आई जी। और उसके बाद जब ये हादसा हुआ और उसके बाद जितने भी इसके अंदर विक्टिम्स थे यानी जो पैसेंजर थे, उन्हें कहाँ के लिए शिफ्ट किया गया? उनको अस्सर के लिए भेजा जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये कुछ वहां से जो है वो रिहायशी थे और इनका साफ तौर पर जो है वो जानकारी हम तक ये है, इनका ये कहना है कि टेम्पो जो है वो गाड़ी थी, रैश ड्राइविंग जो है वो ड्राइवर कर रहा था। अब हम वहां पर मौके पर नहीं थे और हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ, लेकिन जैसे कि सोर्सेज के मुताबिक इनका ये कहना है कि वहां पर जो है ये हादसा होता, और वो इसलिए होता है क्योंकि कर्व पे इस टेम्पो ने पास करने की जो है वो कोशिश की, और जिसका रिजल्ट जो है आपने देखा, यानी कि ओवरटेक करने की कोशिश की, और जिसका रिजल्ट आपने देखा कि टेम्पो जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है। और इन्होंने कहा कि लगभग 13-14 लोग जो है उस टेम्पो के अंदर सवार थे, जिसमें से दो छोटे छोटे बच्चे थे यानी कि माइनर थे, और बाकी के जो पैसेंजर हैं 11 वो 18 प्लस थे, और ये टेम्पो जो है वो डोडा से जम्मू की ओर जा रहा था। ये तमाम सोर्सेज के मुताबिक जो है ये जानकारी है। टेम्पो की जानकारी मैंने आपको दी, और इससे पहले भी जो टेम्पो का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको बताया, और एक बार अगर मैं फिर आप तमाम लोगों को बता दूं तो JK 12 2077 यानी कि JK 12 2077 जो है इस टेम्पो का नंबर था, और ये वहां पर अस्सर के उसी मकाम पर जो है वो हादसे का शिकार होता है, जहां पर इससे पहले भी आप दिन ब दिन जो है वो हादसे सुनते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर एक दूसरा हादसा भी हुआ, और दूसरा जो है वो नालवा इलाका में आया है, और जहां पर ऑटो ड्राइवर जो है ऑटो यानी कि ऑटो रोड से नीचे जो है वो चले जाता है, दो लोग जो है उसमें सवार थे, दोनों लोग जो है वो जख्मी है, उन्हें GMC डोडा जो है वो पहुंचाया गया, और यानी कि आज के दिन का ये दूसरा हादसा है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर का। और दोनों में देखने को यही मिलता है कि रैश ड्राइविंग, जैसे कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये कहा गया कि वहां पर जब इनकी पैसेंजर से बातचीत हुई तो वहां से पता चला कि ये काफी तेज जो है वो चला रहे थे। हमने इन्हें मना करने की भी कोशिश की लेकिन ये नहीं माने, और उसके बाद जब हादसा हो जाता है, ये भी कहा गया कि ड्राइवर मौके से जो है वो फरार हो गया है, और जो नालवा में ऑटो का हादसा हुआ है उसके अंदर दो लोग थे, दोनों जख्मी थे, यानी ड्राइवर और ड्राइवर के साथ एक और शख्स थे, वो दोनों जो है वो जख्मी है। GMC डोडा जो है उन्हें पहुंचाया गया, और ऑटो का रवैया जो है आप भी देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर सिटी के अंदर ऑटो जो है वो किस तरीके से चलते हैं, क्या उनकी स्पीड होती है, ये आप तमाम लोग जानते हैं। आप तमाम लोगों को क्या कुछ लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। दीजिए राजकुमार को इजाजत, बने रहें टीएलआर के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।